भोपाल में लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले शातिर ठग अनवर बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ठग लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे जमीनों का ज्वाइंट वेंचर प्लांट जमीन मकान दुकान मंडी कॉम्प्लेक्स पेंट हाउस फार्म हाउस दिलाने और बेचने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करता था। झारखंड सरकार के शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बता दें कि मध्य विद्यालयों में अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कृषि प्रौद्योगिकी विषय से स्नातक विद्यार्थी भी शिक्षक बन सकेंगे। राज्य सरकार ने प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षक नियुक्ति की पात्रता को लेकर बनाई है, जिसमें झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में कुछ विषयों को शामिल किया गया है। बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस संबंध में पत्र भी जारी कर दिया है। झारखंड में छात्रवृत्ति भुगतान को लेकर मंत्री दीपक बिरुआ ने दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान किसी भी प्रकार से लंबित नहीं होना चाहिए, इसके लिए सभी को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। उन्होंने आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा को निर्देश दिया है कि छात्रवृत्ति भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलाइका अरोड़ा खान की फिटनेस हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है। वह सबसे फिट सेलिब्रिटी में से एक है। उनका इंस्टाग्राम पेज कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि वह हमेशा अपने इंस्टाग्राम पर फिटनेस से जुड़ी बातें एवं हेल्दी लाइफस्टाइल से संबंधित पोस्ट साझा करती रहती है। मलाइका अरोड़ा नियमित तौर पर योग करती है। मलाइका की तरह अगर आप भी फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने डंडा योगासन बता दें कि यह आसान वजन घटाने में काफी मददगार साबित होता है। ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप 2024 के 44वें मैच में बांग्लादेश को 28 रनों से हरा दिया है। बता दें कि यह सुपर 8 के चरण में दोनों टीमों का पहला मैच था। बता दें कि बारिश की वजह से इस मैच के DLS का सहारा लेकर मैच का नतीजा निकलना पड़ा। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने हैट्रिक लेने का कमाल किया। वह T20 विश्व कप में ब्रेटली के बाद हैट्रिक लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बने। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच को लेकर इन दिनों चर्चाएं काफी तेज और टीम इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 खेल रही है। विश्व कप के बाद टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। द्रविड़ के बाद कौन बनेगा भारतीय टीम का कोच, इस बात को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि गौतम गंभीर भारतीय टीम के अगले कोच बन सकते हैं। लेकिन इस बीच एक नई जानकारी सामने आई है जिसे सभी को चौंका के रख दिया है। बताया गया कि गंभीर से पहले BVS लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच रह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने सेंट्रल मिनिस्टर बनते ही BJP के सीनियर नेता के गृह मध्य राज्य प्रदेश को बड़ी सौगात दिया। उन्होंने सरकारी खजाना खेला। इस मामले को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 44 असंबद्ध ग्रामीण बसावट को इस फैसला का सीधा लाभ मिलेगा। पॉपुलर टीवी एक्टर कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ अपने टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती को कॉमेडी सर्कस से लेकर द कपिल शर्मा शो तक साथ देखा होगा। सालों तक इन दोनों जोड़ियों ने फैंस का भरपूर एंटरटेनमेंट किया, लेकिन कपिल शर्मा के नए शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुमोना चक्रवर्ती अभी तक नजर नहीं आई है। मिली जानकारी के अनुसार सुमोना चक्रवर्ती कपिल से नाराज चल रही है। झारखंड में मौसम धीरे धीरे करवट ले रही है। सभी जिलों में मौसम सुहाना होने लगा है। कहीं हल्की बारिश तो कहीं भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस वजह से झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप की वजह से लोगों का जीना और घर से निकलना दुर्लभ हो गया था, लेकिन मौसम ने अपना मिजाज बदल कर लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिला दी। T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत अपना पहला सुपर 8 राउंड मैच खेल रही है। इसमें टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान की चुनौती है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं भारतीय खिलाड़ी अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय खिलाड़ियों के काली पट्टी बांधने की वजह? दरअसल पूर्व क्रिकेटर डेविड जॉनसन ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी कलाई काली पट्टी से बांध ली। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 7 जुलाई को निकल जाएगी। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां की जा चुकी है। इस बीच तैयारी का जायजा लेने के लिए गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद हर्ष संघवी ने मंदिर के महंत दिलीप दास जी महाराज, ट्रस्टी महेंद्र झा, अहमदाबाद पुलिस व कमिश्नर समेत अधिकारियों के साथ बैठक कर रथ यात्रा की तैयारी को लेकर जानकारी प्राप्त की। राजस्थान के 12 जिले में एक शिक्षक दंपतियों ने खुद की जगह डमी शिक्षक रख कर स्कूल में पढ़वाने के कारण सरकार ने उन पर
9.31 करोड़ रुपए की रिकवरी रखी है, साथ ही उनके ऊपर सदर थाने में फिर भी दर्ज करवा गई है। बता दें कि शिक्षक दंपत्ति करीब 20 साल से ज्यादा समय से शहर के समीप स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजपुरा में तैनात थे। विष्णु गर्ग एवं उनकी पत्नी मंजू गर्ग दोनों ने खुद स्कूल में छात्रों को न पढ़ाकर डमी शिक्षक रखा था। मानसून की बात करें तो उत्तर भारत समेत कई राज्यों में अभी तक लू और हीटवेव का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो पूरे देश में दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति दर्ज की गई है, लेकिन बाकी जगहों पर अब बारिश और सुहावने मौसम ने दस्तक दे दी है। भारत के कई राज्यों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल चुकी है। दिल्ली, NCR और पंजाब, हरियाणा में कई दिनों के बाद न्यूनतम पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया। मौसम विभाग ने बताया कि इन राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से लेकर 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया है। वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR में अधिकतम तापमान सामान्य के करीब रहा। देश में सबसे अधिक तापमान बृहस्पतिवार को हरियाणा के सिरसा में 43.8 डिग्री दर्ज किया गया। हर साल 21 जून को विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। कहते हैं कि योग प्राचीन भारतीय योग पद्धति तथा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण पर इसके गहन प्रभाव को मान्यता देती है। योग शब्द की उत्पत्ति युद्ध से निकला है। इसका अर्थ है जोड़ना या एकजुट करना तथा यह मन, शरीर और आत्मा में सामंजस्य लाने के दर्शन का प्रतीक है। बताया जाता है कि योग शारीरिक आसनों से कहीं अधिक है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है जो स्वास्थ्य, व्यायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है। नवी मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल हेतु पर दरारें दिखाई दी। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने घटनास्थल का दौरा किया और सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और यात्रियों की सुरक्षा चिंताओं को उठाया। उन्होंने कहा कि मैं यहां आपको यह दिखाने आया हूं कि हम जो कह रहे हैं वह सिर्फ आरोप नहीं है।